दूसरा प्रश्न, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यदि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। माना घन के किनारे की लंबाई x, आयतन v तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, तब इसमें क्या क्या दिया होगा? ये आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए यहां पर सेकंड, यानी डीवी ओवर डीटी दिया हुआ है और हमें डीएस ओवर डीटी चाहिए। सिर्फ दर दी हुई है, किसके सापेक्ष से ये नहीं पता है, इसलिए हमें डीएस ओवर डीटी चाहिए और किनारे की लंबाई एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले ये हम मान लेते हैं, माना घन के किनारे की लंबाई एक वेरिएबल के रूप में मानेंगे x सेंटीमीटर, आयतन को भी नाम देंगे, आयतन v तथा क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। तब s बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6x² होता है, आयतन v बराबर x³ a क्यूब भुजा की घात 3। अब हमें दिया क्या क्या है, dv ओवर dt दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड और x दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हमें चाहिए क्या है, ds ओवर dt। तो यहां से हम ds ओवर dt निकालेंगे, यहां से dv ओवर dt निकालेंगे, दोनों को इंटर रिलेट कर देंगे और जहां पर x का मान की आवश्यकता होगी वहां पर 12 सेंटीमीटर रख देंगे, dv ओवर dt की जरूरत होगी वहां 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड रखेंगे तो हमें ds ओवर dt मिल जाएगा। तो यहां पर हम ds ओवर dt रखेंगे तो 12x हो जाएगा ये और dx ओवर dt, समीकरण एक। और यहां से dv ओवर dt निकालेंगे तो 3x² और dx ओवर dt। अब dx ओवर dt या तो हम समीकरण दो में समीकरण एक का भाग दे दें, मतलब इसको dt दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको हम भाग दे करके हटा भी सकते हैं या फिर इसका मान रख दें। कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे समीकरण फर्स्ट वाई सेकंड से, तो ds ओवर dt बटे dv ओवर dt, ऐसे हम इंटर रिलेट कर लेंगे आपस में, तो 12x dx ओवर dt और 3x² dx ओवर dt ये हट जाएगा। कुल मिलाकर के दिस इंप्लाइज दैट ds ओवर dt हमारा आएगा, ये एक x कट जाएगा, ये 4/x और dv ओवर dt आ जाएगा, 3×12 4/x और ये हट जाएगा dv ओवर dt। अब dv ओवर dt का मान और x का मान रख देंगे तो हमारा आ जाएगा ds ओवर dt एट x=12, तो 4/12 और इसका मान क्या आ जाएगा 8, मतलब 4 × 12 = 8, 8/3 मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड।
इस तरीके से हमारा ये निकल आया है। यहाँ पर इन ऐसे प्रश्नों में ये आवश्यक है कि हम पहले डेटा डिफाइन कर लें और ये टारगेट कर लें कि हमें निकालना क्या है, तब ये सही तरीके से आ पाएंगे। इसमें मात्रक से भी कभी कभी अनुमान लगाना पड़ता है कि ये दिया क्या है, जैसे कि आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है, तो आयतन से तो भी हो गया, लेकिन वास्तव में इसके संदर्भ में देना क्या चाहता है। डीवी होगा डीटी, डीटी इसलिए क्योंकि पर सेकंड में सेकंड समय का मात्रक है, इसलिए डीवी ओवर डीटी लिया है।